तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुसलमानों से गले मिलते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर किए अपने खिताब में मजहबी हम आहंगी को अजीम करार देते हुए कहा कि सब लोग गंगा जमुनी तहजीब की तरह एक साथ रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईद उल फितर किसी एक ज़ात तक महदूद नहीं है, हर मजहब के लिए ईद उल फितर मनाते हैं। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर के फलाही स्कीमात का भी जिक्र किया। दिन रोजा से रह के आज ईद बड़े पैमाने पे बना जा रहा है। इस अच्छे मौके पर सारे हमारे मुस्लिम बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको मेरे तरफ से, अपने हुकूमत तरफ से रमजान मुबारक में कई दिन से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ जो ईदगाह पे नमाज पढ़ के जो बाहर निकल रहे बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, उनका दुआ लेने के वास्ते में बाकी है। आज दुआ मिल गई, हम दुआ इस वास्ते लेते हैं तेलंगाना रियासत अल्लाह मियाँ के दुआ से, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों के दुआ से, सारे तेलंगाना के आवाम के दुआ से तेलंगाना और मजबूत बनना चाहिए। वकाराबाद टाउन में आज फरजंदान तौहीद ने बड़े खुशु व खुजू के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। तफसीलात के मुताबिक वकाराबाद टाउन के आलमपल्ली ईदगाह और गंगारम के ईदगाह में ठीक 10 बजे नमाज ईद उल फितर अदा की गई। इस मौके पर रमज़ान मुबारक में जिस तरह से इबादत का अहतमाम किया गया, उसी तरह से पूरे साल भर इबादत करने का उलमाए किराम ने अपने खिताबात में बयान किया। इस मौके पर मुल्क की सलामती और आपसी भाईचारगी के लिए खसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। आलमपल्ली ईदगाह के पास वकाराबाद रुकन असम्बली डॉक्टर एम आनंद ने पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के साबिक रियासती वजीर जी प्रसाद कुमार ने भी अपने हामियों के साथ ईदगाह पहुँच कर मुसलमानों को गुलाब का फूल देते हुए ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में भी 2 साल बाद पूरे जोश व खरोश से ईद उल फितर मनाए गए। कोरोना वबा और लॉकडाउन के चलते गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलमानों ने अपने घरों ही में ईद उल फितर व ईद उल अज़हा की नमाज़ें अदा की थी और हुकूमतों का भरपूर ताउन भी किया था। अब जबकि कोरोना वबा का असर ख़त्म होता जा रहा है और ऐसे में ईद उल फितर की आमद पर मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ज़िले हेडक्वार्टर के ईदगाह ग्राउंड में हज़ारों मुसलमान भाइयों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद ज़मीर बेग कासमी ने रोज़े की अहमियत और कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला की कुदरत पर तफसीली खिताब फरमाया। खसूसी दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर आदिलाबाद के MLA जोगुर अमना, DCCB के चेयरमैन भोजा रेड्डी, ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर साजिद खान, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगु परमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और दीगर मौजूद थे, जिन्होंने मुसलमानों को त्यौहार की मुबारकबाद दी। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती बंदोबस्त किया। आज रमज़ान का ईद मुबारक देते हुए सबको, पूरा भारत देश में, तेलंगाना के राज्य में भी सबको, मुसलमान भाइयों को, बुज़ुर्गों को, सबको रमज़ान ईद मुबारक बोलते हुए आज अल्लाह से हम पूरा दुआ मांगेंगे। मुल्क में शांति और अमन चाहिए, उस वास्ते मुल्क में अमन शांति के लिए पूरा मुसल भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने आज जो हर एक गांव में, हर एक ईदगाह में जाके अल्लाह से ही दुआ मांगा,
हमको ये मुल्क में अमन शांति के साथ साथ सबसे मिलजुल के रहना, शांति से रहना, अपन एक को एक सबको मिल के लेके जाना, वही खास करके हम अल्लाह से दुआ मांगे स्वास्थ्यमय। और एक बार भी ऐसा रमज़ान ईद में सबसे मिलके, सब भाइयों से बुजुर्गों से मिलके, वही हम अल्लाह से वही चाह रहे, वही रहेंगे बोल के हम इंशाल्लाह वो कायम हो। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा में ईद उल फितर का पुरजोश अहतमाम किया गया। ईद की नमाज़ ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे अदा की गई। पिछले 2 सालों से कोरोना वबा के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से ईद को लेकर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई थी। ताहम 2 साल बाद दिगर मकामात की तरह भैंसा शहर में भी बंदगान तौहीद ने जोश व खरोश से नमाज ईद में शिरकत की। ईद की नमाज जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मुनीरुद्दीन ने अदा करवाई। बाद अजां एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी गए। भैंसा पुलिस की जानिब से भी इस दौरान मुख्तलिफ चौराहों पर काफ़ी वसी इंतजामात देखे गए। इसके अलावा ईदगाह पर भी गाड़ियों की पार्किंग और आवाम के माहौली तवाज़ुन को बरकरार रखने की पुलिस और मकामी नौजवानों ने अपना बेहतरीन रोल अदा किया। अल्लाह हमारे जैसे लाखों करोड़ों बंदे आपके हैं, लेकिन आप तो हमारे अखलूक के रब है। हर एक आपसे अल्लाह अपना रब मानकर आपके सामने हाथ उठाया हुआ है। अल्लाह कबूल कर लीजिए, अल्लाह हमको मायूस मत फरमाइए, अल्लाह हमें मायूस मत फरमाइए, अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमाइए, परेशान हालों की दस्तगिरी फरमाइए। भैंसा टाउन में ईदगाह में जगह मैसर ना होने के बाद उर्दू स्कूल के हॉल में जमीयत अहले हदीस की जानिब से नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खतीब व इमाम ने पुरजोश तकरीर करते हुए मौजूदा हालात से मुसल्लियान को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी अमीर फिरोज खान, नाजिम मोहम्मद अलाउद्दीन अयूब खान, नायब अमीर साजिद खान, काजिन मुईद और जमीयत अहले हदीस भैंसा के दिगर अरकान मौजूद थे। बाद नमाज मुसलमानान भैंसा ने एक दूसरे से बकलगीर होते हुए ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नाज़रीन आदाब, आज हम भैंसे में मौजूद है, जो ईद का दिन है, आज हमारे साथ मौजूद है अहले हदीस के शेख साहब। आइए उनसे तफसील में बात करेंगे कि ईद और रमज़ान किस तरह हुआ और किस तरह गुजारा गया। आइए हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। रमज़ान सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं और बताइए कैसा रमज़ान गुजरा और ये जो ईदगाह का जो टीम निकाले हैं ईद फितर का, ये जगह का कैसा इस्तेमाल किया गया बोलिए सर। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र एहसान उसका फ़ज़ल है कि जो है हमने रमज़ान मुबारक का महीना बड़े ही खुशसलूबी और अल्हम्दुलिल्लाह तकवा के साथ और तमाम बातें करते हुए गुजारे। और हम सब की खुशी थी कि ईद उल फितर की नमाज़ जो है मस्जिद से बाहर निकल कर अदा की जाए। और इससे पहले तमाम नमाज़ें, हर ईद उल फितर की नमाज़ एक मजबूरी के तहत मस्जिद में हुआ करती थी, लेकिन मस्जिद के जो है पैलेस जो है जगह है वो बहुत छोटी है और इसलिए तमाम मुसल्लियान मस्जिद में नहीं आ सकते थे। इसलिए हमने गवर्नमेंट जो है यहाँ के स्कूल्स के जो नाज़िम थे, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करके ये ग्राउंड हमने लिया है। गर्ल्स कॉलेज का है, जो है कॉलेज का ये ग्राउंड है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के लोग, जमात अहले हदीस के तमाम नौजवानान मिलकर रात में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सफाई करके यहाँ जाए नमाज बिछा कर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे खुशी ये हो रही है कि हम सब मुसल्लियों को, हम सब मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज के दिन जो है ईद उल फितर में नमाज अदा करने का मौका मिला। और उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेपाया शुक्र एहसान उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें आज इस ईद उल फितर की नमाज़ ईदगाह में अदा करने की तौफीक बख्शी है। और मैंने सुना था कि आप लोगों को अहले हदीस को ईदगाह के लिए जगह देने वाले थे गवर्नमेंट, नहीं दी और आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप इस वक्त आप गवर्नमेंट से आप चाहना क्या चाहते ये बताइए। जी, हमारा मुतालबा है, इससे पहले भी जो है बाकायदा हमारे ज़िम्मेदारों से बात हुई थी। उन लोगों ने बाकायदा जिस तरह से तबलीगी जमात की जो है लोगों का एक ईदगाह है डैम पर, वहाँ पर इसी तरह छोटा मोटा कहीं पैलेस देने का वादा किया गया था, अभी तक तो नहीं मिल सका। लिहाजा हम जो है मुतालबा भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं इंशाल्लाह कि आइंदा साल आने से पहले इंशाल्लाह हमें ज़रूर एक ईदगाह के लिए ज़मीन मुख्तस की जाएगी। और हमने मालूम किया इस ईद की नमाज़ में लेडीज़ का भी ताउन किया गया, वो सही है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सही मजहब इस्लाम ने किसी नेकियों में किसी एक की तरफ झुकाव नहीं रखा है। हमेशा नेकियां कमाने के लिए जिस तरह मर्दों को कहा गया, ऐसे औरतों को भी, औरतें किसी कार्य खैर में पीछे नहीं रहेंगी, इस्लाम का ये खासा है। और इसीलिए हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ में ख़वातीन का इस पीछे के हिस्से में एक इंतज़ाम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्द हजरात के ख़वातीन, उनकी फैमिली, उन बच्चों भी ईदगाह में आए और हम
मुसलमानों के साथ, मर्दों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ख्वातीन ने भी ईदगाह ईद की नमाज़ पढ़ी है और हमारी दुआओं में भी वो बराबर की शरीक रही हैं।